नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी AYC में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C3 के बारे में, जो कि रिसेंटली कल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसकी करने वाले हैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग, और बताने वाले हैं उसमें आपको कौन कौन से फीचर अवेलेबल मिल जाते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, और रियलमी C3 को क्यों बोला जा रहा है एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार। चलिए इस वीडियो में जानते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन का दबाना मत भूलना, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है रियलमी का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बाहरी लिखा होता है रियलमी C3, और इसके और डिटेल के बारे में पता करते हैं। जो कि हमारे पास वेरियंट है वो है 3 GB रैम प्लस 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अलग से साथ इसके बैक में और क्या क्या लिखा है चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बाहर ही मेंशन किया हुआ है, डुअल कैमरा अपने देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे पास वेरिएंट है और रेड कलर का है। और इसमें दो मॉडल आते हैं, जो कि एक ब्लू है एक रेड है, हमारे पास रेड कलर का है। जल्दी से जल्दी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही क्या यार, बॉक्स निकल नहीं रहा। देखो बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। सभी को पता है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं, आपको इसमें सिम अडाप्टर टूल देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ कुछ मैनुअल देखने को मिल जाती है रियलमी C3 के बारे में। इसको भी रखते हैं हम साइड में और चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। आप ये रहा हमारा फ़ोन रियलमी C3 का। जल्दी से जल्दी हम इसको निकालते हैं। बार बार निकालते ही आपको पीछे की तरफ आपको डुअल सिम देखने को मिल जाती है, और इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस रैपर को खोलते हैं और निकालते हैं अपने फ़ोन को बाहर। कवर आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, जिसमें शाइनिंग सनशाइन की शाइन दे रहा है। जैसे कि यह देख ही सकते हैं, जैसे कैमरे से लाइट निकल रही वैसा आपको शाइन इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है बैक पैनल में। हम इस फ़ोन को भी रखते हैं साइड में और चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। आपको इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिल जाता है। आपको एक डाटा केबल देखने में मिल जाती है, जो कि टाइप सी केबल है चार्जिंग के लिए, और आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि है 10 वोल्ट का अडेप्टर है। हालांकि ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, पर इतनी रेंज मिड रेंज में ये फ़ोन आया है, उतना के लिए इतना ही बनता है 10 वोल्ट का चार्जर। बस ये था बॉक्स कॉन्टैक्ट और रियलमी C3 की अनबॉक्सिंग, और आप जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और रिव्यू के बारे में और फीचर के बारे में आपको देखो क्या क्या देखने को मिल। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले आपको 6.5 इंचीज का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्लस इसमें आपको गोरिल्ला क्लास 3 का प्रोडक्शन देखने को भी मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको वाटरड्रॉप नॉच के साथ ये स्क्रीन देखने को मिलती है। अब इसके कैमरे की बात करें, पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि ये 12+2 मेगापिक्सल का रियल डुअल फेसिंग कैमरा। और आगे की तरफ बात करें, आगे आपको सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता था, पर हमको उम्मीद थी रियलमी C3 में हमको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। पर हालांकि उन्होंने 5 मेगापिक्सल का भी इस बारी निकाला है, जो कि रियलमी C2 में भी निकाला था। इसमें भी आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। शॉर्ट्स लिए हैं जो कि इसके सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आप इस फोन को जूम करके भी बहुत अच्छी पिक्स ले सकते हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख ही सकते हैं शॉर्ट हमने लिए हैं जूम करके। बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, इसमें आपको दो वेरिएंट में स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 3 GB रैम प्लस 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और एक और दूसरा आता है जो कि ये 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। ये दो वेरिएंट में फ़ोन निकाले हैं, और इसमें भी दो ही कलर निकाले हैं, जो कि एक रेड है एक ब्लू कलर का है, बहुत शाइनिंग ब्लू भी बहुत अच्छा कलर है। अब इसके चिपसेट की बात करें, इसमें आपको मीडियाटेक एलओपी P70 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मिड रेंज में बहुत ही हाईलाइट माना गया है। और इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसमें बेंचमार्क 1,91,000 बताया जा रहा है, कि 2 लाख के करीब बताया जा रहा है इसका बेंचमार्क, जो कि इस मिड रेंज में बहुत हाईएस्ट बेंचमार्क है।
अब इसके बैटरी की बात करें, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मिड रेंज में किसी ने भी अभी 5000 की बैटरी वाला कोई भी फ़ोन नहीं निकाला। रियलमी C3 ने यह पहला स्मार्टफोन है इंडिया में जो कि मिड रेंज में आपको 5000 की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। कि आप सभी को पता है Realme 1 Realme C2 में भी आपको कोई भी पीछे फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिला था, ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिला था। हालांकि इसमें भी आपको फेस लॉक का सपोर्ट मिल रहा है Realme C3 में भी। अब इसके OS की बात करें, इसमें आपको Realme का UI देखने को मिल रहा है, और Android की बात करें इसमें आपको लेटेस्ट Android 10 का वर्जन भी देखने को मिल रहा है। ये था Realme 3 की पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में और रिव्यू के बारे में, और कंपेयर हम Realme C2 के साथ करेंगे, और भी मिड रेंज के जो कि स्मार्टफोन है हम उसके साथ भी इनका कंपेयर जल्दी लेकर आएंगे अपने चैनल पर। हालांकि ये 14 फरवरी को इंडिया में सेल जाने के लिए रेडी है, 14 फरवरी को आप सेल में जाकर खरीद पाएंगे। और हम इसका प्राइस बताएं जो कि 3 GB रैम प्लस 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, वो आपको 6000 के रेंज में मिल जाएगा। जो कि 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है वो आपको 8000 के रेंज में मिल जाएगा। अब इसके डिजाइन और लुक की बात करें, इस बारी Realme 3 ने Realme 1 Realme C2 Realme C3 में थोड़ा हाईएस्ट बेंचमार्क लिया है अपने Realme C3 में, और साथ ही साथ मिड रेंज की रेंज में ये एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार वाकई माना गया है। क्या राय है आपकी इस फोन के बारे में, प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको Realme C3 का फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग कैसा लगा, प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।